अशोकनगर शहर के श्री हनुमान मंदिर पर निरंतर 70 वर्षों से नवरात्रि के दौरान रामायण का पाठ किया जाता है। 1952 में पंडित श्री रामकृष्ण मिश्रा जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रामायण का वाचन प्रारंभ किया था, जो आज भी निरंतर चल रहा है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में जुड़ते चले आ रहे हैं। रामायण के दौरान मंदिर में बड़े ही धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई गई और 50 वर्ष पूर्ण होने पर गंज में गोल्डन स्वर जयंती मनाई गई। श्री आनंदीलाल नामदेव जी ने बताया कि आज भी नवरात्रि के दौरान 9 दिन निरंतर पाठ चलता रहता है और विजयदशमी के दिन यहाँ कार्यक्रम का हवन पूजन कर भंडारे के साथ समापन किया जाता है। इस दौरान आयोजन में लोग आज भी निरंतर जुड़ते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी रामायण का पाठ निरंतर चलता रहा। श्री आनंदीलाल ने बताया कि मैं भी इस आयोजन में 50 वर्ष से जुड़ा हूँ और अब इस मंदिर में निगरानी व पूजन का दायित्व पंडित रामकृष्ण मिश्रा जी के बाद उनके पुत्र शैलेंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में किया जाता है। श्री रामचरित मानस का पाठ सन 1952 से शुरू हुआ। शुरू में जो है गुरुजी वाचस्पति एवं हमारे श्री रामकृष्ण पुजारी जी, इन्होंने मिलकर के जो है शुरू में
पाँच छः लोगों से शुरू किया 1952 में, और धीरे धीरे आज जो है 70 साल हो गए। बीच में संख्या लगातार बढ़ती गई महिलाओं की, महिला पाठक और पुरुष पाठक, बीच में करीब 150 तक संख्या पहुंच गई। अभी धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, अब अभी वर्तमान स्थिति में करीब 50 लोग हैं। और अभी जो है अपने शुरू में इसके जब 52 से शुरू हुआ तो 25 वर्ष होने के बाद में रजत जयंती मनाई गई, और इसकी 50वीं वर्षगांठ में सुभाषगंज में इसको मतलब सुनहरा जो है गोल्डन स्वर्ण जयंती मनाई गई। और ये निरंतर ये पाठ चल रहा है रामचरितमानस का, और अभी तक पुजारी जी महाराज थे अपने रामकृष्ण जी, इसके बाद में उनका नाती का लड़का जो है ये अभी ये पाठ कर रहे हैं, ये शैलेंद्र मिश्रा। और ये जो पाठ जो है सभी 9 दिन पाठ चलता है, 10वें दिन हवन होता है, इसके बाद में भंडारा होता है, और ये निरंतर लगातार चल रहा है। कोरोना काल में भी जो है ये बंद नहीं हुआ लगातार जो है, और ये सुचारू रूप से सुंदर बढ़िया चल रहा है। आप लोगों को रामचंद्र की बधाइयाँ। आप लोगों को बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अपने नगर में 52 में जो एक नींव डाली गई थी रामायण पाठ की, जो कि आवन के महाराज एवं हमारे पिताजी पुजारी जी हनुमान मंदिर के द्वारा डाली गई थी, वह आज फलीभूत होकर 69वें बड़ी में जा रही है, एवं आज द्वितीय दिन यहाँ पर राम जन्म का आनंद आप देख रहे हैं। प्रारंभ में कोई भी चीज़ होती है तो छोटी पैमाने पर ही होती है, ये देखने में आता है। यहाँ भी जब ये रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ था तब प्रारंभ में केवल 11 पाठक ही यहाँ पर बैठे हुए थे जिनमें महिलाएं नहीं थीं, किंतु धीरे धीरे जब एक पेड़ बढ़ता है फूलता है फूलता है, यहाँ पर भी पाठकों में निरंतर वृद्धि होती रही। 11 के बाद 51 के बाद 75 के बाद 3 अंकों में निरंतर यहाँ पर पाठक बढ़ते गए। जन लोगों के माध्यम के द्वारा यहाँ पर काफ़ी तरक्की हुई, लोगों में भावनाओं का प्रचार हुआ, धर्म के नाम पर लोग एक हुए और रामायण का पाठ लोगों ने प्रारंभ किया। रामायण के पाठ द्वारा नैतिक जीवन में लोगों के उन्नति आई, और यहाँ पर देखा जाए तो जब रजत जयंती मनाई गई तब यहाँ पे एक यज्ञ हवन का आयोजन किया गया था। फिर 2002 में जब 50 वर्ष पूर्व हुए तब एक बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन रामलीला मंच पर किया गया था, और फिर धीरे धीरे जब लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी नई पीढ़ियाँ आती हैं और उनको जो मिलता है वो आगे बढ़ा के ले जाती हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग थे, और हम यही भगवान बालाजी के चरणों में कामना करते हैं कि अपनी यही कृपा बनाए रखें एवं धर्म में यहाँ लोगों को जोड़े रखें और यहाँ पे खूब तरक्की प्रदान करें। यहाँ पे 9 दिन नवरात्रियों का पाठ होता है, नवरात्रि में नवान पारण का पाठ होता है रामायण का, फिर अंतिम दिन यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के 2 दिन उपरांत यहाँ पे भंडारा हाँ ब्राह्मण भोज एवं कन्या भोज का आयोजन किया जाता है जो बड़े पैमाने पे होता है। मैं खुद यहाँ 2015 में आदरणीय हमारे पूज्य पिताजी पहले यहाँ पे मुख्य गद्दी पे थे, अब उन्होंने उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी 2015 के बाद, तो उन्होंने उनका ये दायित्व मुझे दिया। अब उनकी कृपा है और ये भगवान की कृपा है कि मैं यहाँ पे काम को बिल्कुल अच्छी तरह उन्होंने जितना अच्छा चलाया उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ उनकी कृपा है कि मैं चलाया जा रहा हूँ, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ये कृपा बनी रहे। बीच में कोरोना काल में यहाँ पे पाठकों में कुछ कमी आई थी, लेकिन भगवान की दया है कि पुनः अपने पूर्ववर्ती रूप में ये पाठ जा रहा है।